सर्किट। सब कराएंगे बच्चे, सब कराएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके न्यूमेरिकल किए थे हमने, बताना इसके न्यूमेरिकल किए थे कि नहीं करें? नहीं, नहीं सर, रिकॉर्डिंग भी भेज दिया करो सर साथ साथ। यार एक्चुअली क्या है, रिकॉर्डिंग में कुछ एरर आ रहा है यार, अपलोड नहीं हो पा रही है। मैं ट्राई करूंगा फिर से, है सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास बट अपलोड नहीं हो पा रही। एडिट मत करा करो ना, सीधा सीधा भेज दो ना, जैसे पहले भेजते थे मतलब सीधा ही भेज दो। करता हूं, अच्छा अपलोड करता हूं। मेरा इवन डिवाइस भी फुल हो गया है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोगों को ये पढ़ने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, देखो अच्छा। जब हम लोग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर पढ़ते हैं तो यहाँ दो हिस्से हो जाते हैं। जैसे वेरिएशन पढ़ रहे हैं तो कंडक्टर्स का वेरिएशन अलग देखने को मिलता है और इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स का वेरिएशन अलग देखने को मिलता है। अब क्या होता है बच्चे बताते हैं आपको। तो पहले तो वेरिएशन का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये हमने पढ़ लिया फॉर्मूला। बच्चों बोलो, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा फॉर्मूला? यस सर। न्यूमेरिकल केस के? नो सर। नो सर। ये क्या होता है बोलो? रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर, ये क्या होता है? रेजिस्टेंस एट 0°C, ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये होता है टेम्परेचर। आगे सब चीजें, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चे अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, जिस चीज के ऐसे एनसीईआरटी को खोल ले और जिसके ऐसे नहीं है वो इधर देख ले। एक चीज ध्यान रखना यार, जैसे मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, तो जो भी मैं न्यूमेरिकल कराता जाऊँ इसको लिखते जाना यार आप लोग, ऐसा नहीं है छोड़ दो। जो जो न्यूमेरिकल को अलग से मेंटेन करके रखो बच्चों, बच्चों की हैबिट नहीं होती है, सबको एक साथ लिख देते हैं। जब क्लास ओवर हो जाए तो न्यूमेरिकल्स को अलग लिखने की हैबिट डालो थोड़ी सी। जो न्यूमेरिकल्स हैं वही आपके बोर्ड में एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाएंगे और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी वही आपको हेल्प करेंगे। थ्योरी से कुछ काम नहीं चलेगा, हमारे नोट से कुछ खास काम नहीं चलेगा। खुल रहा है बच्चों, एग्जाम्पल 3.4 करो बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को? बोलो भाई, कोई बोलेगा? कैसे दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। करो बच्चे। इधर शायद आपने पिछली क्लास में भी दिया था। किया था आपने? किया नहीं था सर, आपने दिया। तो किया था आपने, मैंने बोला था करना है, याद करो, जाते जाते बोला था कर लेना है जरूर जरूर। सर वो याद नहीं है, ये याद है आपने दिया था। हाँ तो करो, अब जल्दी से करो बच्चे, आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छे बताओ, सुमन जी बोलो। सर वो गलती से हाथ हो गया था। देखो अच्छे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है 5 ओम, मतलब आइस पॉइंट मतलब 0°C पे रेजिस्टेंस है, आर नॉट है 5 ओम। और क्या दे रखा है? और दे रखा है स्टीम पॉइंट पे, मतलब कि 100°C पे रेजिस्टेंस है 5.23 ओम। फिर दे रखा है कि कोई टेम्परेचर है जिस पर रेजिस्टेंस है 5.795 ओम, टेम्परेचर क्या होगा? वो टेम्परेचर क्या होगा?
तो बच्चे इसके सॉल्यूशन को देखने